हिंदुस्तान का दिल क्रिकेट के लिए धड़कता है और जब मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ हो तो धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, भावनाएं उफान पर आ जाती हैं क्योंकि सबको उम्मीद होती है एक शानदार मुकाबला देखने की। धड़कनें यकीन मानिए माधुरी दीक्षित के गाने की तरह बढ़ जाती हैं। अब क्रिकेट फैंस का ये जोश जो है अहमदाबाद में भी आप साफ देख सकते हैं क्योंकि आज से बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो गया है। स्टेडियम में मौजूद लोगों की भीड़ ये बताती है कि मैच को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है। तो देखिए कैसे फैंस कर रहे हैं टीम इंडिया को हमारी तरह चीयर। फैंस की भारी भीड़ और उनका हाई जोश बताने के लिए काफी है कि हमारे लिए क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। यहाँ क्रिकेट का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। लोगों की नसों में खून के साथ साथ क्रिकेट दौड़ता है। दिल्ली से आया हूँ एंड सुबह ही लैंड किया हूँ अहमदाबाद एंड इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वी आर कंप्लीटिंग 75 इयर्स ऑफ क्रिकेट रिलेशनशिप। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी आखिरी टेस्ट मैच में फैंस की दीवानगी चरम पर दिखी और आज विराट कोहली की सेंचुरी रहने वाले हमारे डाइहार्ड फैन इधर विराट कोहली की है और माता की जय मैच खत्म हो जाने वाला। आप देख लेना क्या स्पिनर वाली पिच अपना अक्षर पटेल विकेट पे विकेट लेने वाला है। अहमदाबाद में स्टेडियम के अंदर और बाहर उत्साह से भरी दर्शकों की भारी भीड़ का जलवा छाया रहा। आलम ये रहा कि फैंस अलग अलग तरीके से टीम इंडिया को चीयर करते नजर आए। भीड़ के बीच हाथों में तिरंगा लिए धोनी का एक फैन इंडिया इंडिया के नारे लगाता दिखा। मेरा नाम रामबाबू है और मैं चंडीगढ़ से आता हूं और टीम इंडिया को चीयर करने जहां भी मैच रहता है वहां पहुंचता हूं। धोनी सर की तरफ से पास मिलता है और 16 साल से कंटिन्यू टीम इंडिया को चीयर कर रहा हूं। तो किसी ने तिरंगा लहराकर वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगाए। इस बीच टीम का हौसला बढ़ाने के लिए एक बच्चा प्रधानमंत्री मोदी का गेटअप बनाकर वहां पहुंचा। मैं ये नरेंद्र मोदी जी का गेटअप बनाया है जिसमें सफेद कलर का उपयोग किया है। यहाँ पे देखिए आपके साथ कितने लोग आए हुए हैं इंडिया के। देखेंगे कि आपकी एक टेस्ट मैच नहीं है, ये एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। 1,35,000 वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, इतनी बड़ी संख्या में एक टेस्ट मैच होने जा रहा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग देखने आ रहे हैं। स्टेडियम के बाहर टीम इंडिया की जैसी जर्सी और टोपी की दुकानें भी सजी नजर आईं। अपनी टीम का हौसला बढ़ाने पहुंचे फैंस ने टोपी और जर्सी की जमकर खरीदारी की। क्रिकेट के लिए हमारे देश की जनता का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अब फैंस को इंतजार है तो सिर्फ उस गुड न्यूज का जो टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्हें देगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।